गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है द साउथर्न प्लेट्यू। उसी को कंटिन्यू करते हैं हम, चैप्टर फोर द साउथर्न प्लेट्यू। इससे पहले हमने आपको छत्तीसगढ़ के बारे में बताया था कि छत्तीसगढ़ साउथर्न प्लेट्यू का एक स्टेट है और इसका नेक्स्ट स्टेट है महाराष्ट्र। आज हम महाराष्ट्र के बारे में पढ़ेंगे। महाराष्ट्र लाइज इन द नॉर्थ वेस्ट एरिया ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। महाराष्ट्र डेक्कन प्लेट्यू के उत्तरी पश्चिमी भाग में पड़ता है। रिवर लाइक द गोदावरी, कौन सी नदी यहाँ पर, गोदावरी, तापी एंड कृष्णा फ्लो थ्रू द स्टेट। गोदावरी, तापी और कृष्णा, ये तीन नदियां इसी स्टेट से होकर निकलती हैं। द स्टेट गेट गुड रेनफॉल एंड क्लाइमेट इज नाइदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड। यहाँ पर जो एटमोस्फियर है, जो मौसम है, वो बहुत अच्छा रहता है, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा। मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। मुंबई महाराष्ट्र की कैपिटल है। ऑक्यूपेशन, व्यवसाय। महाराष्ट्र हैज ए रिच सॉइल विच इज एक्सट्रीमली फर्टाइल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स लाइक सुगर केन, कॉटन, वीट, राइस, मेज, बाजरा, पल्सिस, ग्राउंडनट एंड टबैको। महाराष्ट्र की जो मिट्टी है बहुत उपजाऊ है और ये सभी फसलें जितनी भी आपको बताई गई हैं, ये सारी फसलें गन्ना, कपास, गेहूं, बाजरा, दालें, तंबाकू आदि सभी यहाँ पर उगाई जाती हैं। मैनी पीपल आर एंगेज्ड इन फार्मिंग। यहाँ पे बहुत से लोग कृषि उनका व्यवसाय है। द स्टेट इज फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्रेस, मैंगोज, ऑरेंज एंड बनाना। यहाँ पर ये राज्य प्रसिद्ध है अंगूर, आम, संतरा और बनाना के उत्पादन के लिए। पीपल लिविंग नियर द कोस्ट कैच फिश फॉर देयर लिवलीहुड। जो लोग यहाँ पर किनारे पर रहते हैं, समुद्र के किनारे पर रहते हैं, वो अपनी जीविका के लिए मछलियों को पकड़ते हैं। महाराष्ट्र इज फेमस इन इंडस्ट्री। महाराष्ट्र इज रिच इन इंडस्ट्री। महाराष्ट्र उद्योगों में भी बहुत रिच है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज द मेन इंडस्ट्री बिकॉज कॉटन इज ग्रोइंग हेयर इन अबंडेंस। कॉटन के उत्पादन के लिए यहाँ पर कॉटन टेक्सटाइल, कॉटन मिल है। क्यों? क्योंकि कॉटन कपास का उत्पादन यहाँ पर प्रचुर मात्रा में होता है, अधिक मात्रा में। अदर इंडस्ट्री सच एज केमिकल, सुगर, मेडिसिन, मशीन, टूल्स एक्सेट्रा ऑल्सो फ्लोरिश हेयर। यहाँ पर ये सभी इंडस्ट्री भी यहाँ पे इस्टेब्लिश है। केमिकल, सुगर, मेडिसिन, दवाइयां, मशीन, औजार आदि बनाने की फैक्ट्रियां भी यहाँ पर स्थित है। मुंबई इज द सेंटर ऑफ मैनी इंडस्ट्री। मुंबई बहुत सारे उद्योगों का केंद्र है। इट इज एन इम्पोर्टेंट पोर्ट टू, और ये महत्वपूर्ण बंदरगाह भी है। मिनरल ऑयल इज फाउंड नियर मुंबई एट बॉम्बे हाई। खनिज तेल कहाँ पर पाया जाता है, किसके पास, बॉम्बे हाई के पास खनिज तेल भी यहाँ पर मुंबई में पाया जाता है। अब लाइफ स्टाइल। मराठी, गुजराती और हिंदी आर द मेन लैंग्वेज स्पोकन बाय पीपल इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के लोगों के द्वारा ये भाषा मराठी, गुजराती और हिंदी अधिकतर बोली जाती है। दे ईट व्हीट, राइस, फिश एंड वेजिटेबल। भेलपुरी एंड पाव भाजी आर देयर फेवरेट डिशेस। ये क्या खाते हैं, दाल, चावल, गेहूं, सब्जियां आदि खाते हैं, और भेलपुरी और पाव भाजी यहाँ पर प्रसिद्ध व्यंजन है। वुमेन इन महाराष्ट्र वियर ए लॉन्ग 9 मीटर लॉन्ग साड़ी इन ए टिपिकल स्टाइल एंड मैन वियर कुर्ता, धोती एंड ए स्पेशल टर्बन। यहाँ पे महिलाएं हैं, महिलाएं जो 9 मीटर की साड़ी अलग तरीके से पहनती है, और जो मैन है वो यहाँ पर धोती, कुर्ता और पगड़ी पहनते हैं। गणेश चतुर्थी इज द मेन फेस्टिवल और महाराष्ट्र। यहाँ का जो मुख्य त्योहार है गणेश चतुर्थी है। पीपल ऑल्सो सेलिब्रेट दिवाली, क्रिसमस एंड ईद। यहाँ पर लोग ये त्योहार भी मनाते हैं, दिवाली, क्रिसमस और ईद। तमाशा इज ए पॉपुलर फॉर्म ऑफ फोक म्यूजिक एंड ड्रामा। एक तमाशा है जो यहाँ पर क्षेत्रीय संगीत और ड्रामा भी प्रस्तुत किया जाता है, तमाशा उसको बोलते हैं। फेमस प्लेस, प्रसिद्ध स्थान कौन कौन से, पुणे, कोल्हापुर, सोलापुर एंड मुंबई आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट सिटीज ऑफ महाराष्ट्र। ये सभी यहाँ पर
प्रसिद्ध शहर है। द गेटवे ऑफ इंडिया एंड हैंगिंग गार्डन एंड वेरियस अदर प्लेसेस आर वर्थ सीइंग द मुंबई। यहाँ पर ये सभी गेटवे ऑफ इंडिया, हैंगिंग गार्डन, ये सभी प्रसिद्ध स्थल है जो यहाँ पर पाए जाते हैं। द फेमस अजंता एलोरा केव आर इन अजंता और एलोरा की गुफाएं भी यहाँ पर औरंगाबाद में प्रसिद्ध स्थान है। महाबलेश्वर इज ए फेमस हिल स्टेशन विच हैज ए ब्यूटीफुल लेक। यहाँ पर महाबलेश्वर एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है जहाँ पर बहुत सुंदर झील पाई जाती है। अब महाराष्ट्र की स्पेशलिटी क्या है? मुंबई इज फेमस एज द इंडस्ट्रियल कैपिटल ऑफ इंडिया। मुंबई जो है भारत की औद्योगिक राजधानी के रूप में जानी जाती है। द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड इज ऑल्सो बेस्ड हेयर, और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री भी यहाँ पर है। तो आज हमने कम्प्लीट किया महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, कल हम कंटिन्यू करते हैं कर्नाटक। ओके, थैंक यू।